वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है, चाहे आप स्टाफ नर्स से रिलेटेड एग्जाम्स दें या फिर मेडिकल क्षेत्र के, चाहे लेफ्ट इंसन, एक्सरे, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये लगभग सभी एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल सभी के लिए कॉमन एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप सभी का बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। तो ह्यूमन ब्लड कितने पीएच के बीच में रहता है? 6.5 to 7.5, 7.3 5 to 7.45 and 8 to 9 and 4.5 to 5। तो पीएच इसका जो नॉर्मल होता है वह होता है 7.3 to 7.45। ब्लड है साइटली एंड एल्कलाइन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ईसीजी टेल टी वेव सीन इन केस ऑफ। तो टी वेव कब देखा जाता है ईसीजी में? तो हाइपर नेट्रीमिया, हाइपोक्लेमिया, हाइपरक्लेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंड जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, वह होता है जो केस दिखा जाता है वह हाइपर क्लेमिया एंड हाइपोक्लेमिया में प्रोमिएंट्स यू एंड टाल्टी जो वेव होते हैं वो आंसर नंबर थर्ड हाइपर क्लेमिया में दिखा जाता है, जिसको कम मात्रा में हाइपोक्लेमिया में भी यू वेव देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो टाल्टी वेव होती है वो हाइपरक्लेमिया होती है, और जो यू वेव होती है वो हाइपोक्लेमिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंटीडॉट ऑफ हिपेरिन इज। तो हिपेरिन का एंटीडॉट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वारफिन, विटामिन के, नेलोक्सोन एंड प्रोटामिन सल्फेट। एंड करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स आंसर नंबर फोर प्रोटामिन सल्फेट। एक बेसिक प्रोटीन होता है जो फिश स्पर्म से बनी होती है, और 1 मिलीग्राम प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन की 100 यूनिट्स को न्यूट्रलाइज्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा हो जाता है जो अंधत्व को सबसे अधिक, उसके कारण अंधत्व होता है? पहला होता है विटामिन ए डिफिशियंसी, अर्थात विटामिन ए की कमी, कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, थर्ड ग्लूकोमा एंड फोर्थ है ट्रेकोमा। तो फ्रेंड्स, जो सबसे मेन कारण होता है, जो कॉमन कारण होता है अंधत्व का, वह होता है कैटरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो कैटरेक्ट मोतियाबिंद होती है वह मोतियाबिंद सबसे मेन कारण होती है। चलिए आपको दिखाता हूँ नॉर्मल आई, मोतियाबिंद आई में क्या क्या होता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा लेंस होते हैं वो लेंस यहाँ ब्लैक कलर का होता है जो नॉर्मल आई होते हैं, किंतु जो कैटरेक्ट आई होती है, मोतियाबिंद युक्त जो आई होती है, इसमें जो हमारा लेंस होता है वह लेंस क्या हो जाता है, उस लेंस को ये व्हाइट या आसमान के रंग में हो जाते हैं। अब यहां हो जाने के कारण जब हमारे शरीर में या हमारे आंख में जब लेंस में जब कोई भी चित्र का दृश्य पड़ता है तो वह उसका यहाँ रेटिना पे उसका पिक्चर बनाता है, किंतु अगर वो मोतियाबिंद का हो जाता है तो वहां होने के कारण ये जो पिक्चर होता है वह मतलब पूरा फैल जाता है और एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रित होता है। और इसको जो ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगाया जाता है उसे IOL कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस के नाम से जाना जाता है। इसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाता है, उसके द्वारा लेंस को बदल दिया जाता है, आपको इस लेंस को निकाल के एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है जिसका नाम होता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द हार्ट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड एट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेडुला ऑफ लॉन्गटा, बी थैलेमस, सी लिम्बिकस सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। तो जो हमारे बॉडी को हीट रेगुलर करता है, हीट रेगुलर मतलब हीट वहां से रेगुलेट करता है, वहां से नियंत्रण करता है, वह सेंटर का नाम होता है, तो उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वह हमारे बॉडी में
हीट को रेगुलेट करता है एंड अपने जो शरीर के स्किन, स्वीट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करके जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसको फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज्ड आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर में जो हम ड्रग चॉइस करते हैं वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंट्रावेनस मैनिटॉल एंड इंट्रावेनस फेनिटोइंस, इंट्रावेनस डाइजीपाम एंड इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन। तो किसका हम चॉइस करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए मैनिटॉल, जो इंट्रावेनस दिया जाता है, जो मैनिटॉल 20% इज यूज फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल कितना होता है? 100 ml, 400 ml, 6000 ml एंड 500 ml। तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है फ्रेंड्स वह होता है ऑप्शन नंबर 4, 500। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml होता है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स सीन इन चिल्ड्रन इज। तो चिल्ड्रन में कौन से प्रकार का फ्रैक्चर सबसे कॉमन पाया जाता है या देखा जाता है? कॉलिस फ्रैक्चर, पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। एंड जो इनमें ज्यादा देखा जाता है वह ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखा जाता है। तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वह पार्सल ब्रेक या फिर वेंट बोन, स्पेशली इन रिकेट्स सेल, जो रिकेट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। एंड जो कॉल्स फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियल होते हैं। एंड पोर्ट फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर और लोअर एंड इंड ऑफ फिबिया विथ डिसलोकेशन ऑफ फुट आउटवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया अमॉन्ग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो डायरिया होता है वह सबसे मोस्ट कॉमन होता है एडिनोवायरस, राइबोवायरस, रोटा वायरस या फिर रिनो वायरस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है रोटा वायरस। और रोटा वायरस को इसका वैक्सीन भी आ चुका है, जो बच्चों को फर्स्ट 6 वीक्स में, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स में दिया जाता है, जिसको ओरली 5 ड्रॉप्स दिया जाता है। अर्थात जो 5 ड्रॉप्स होता है पॉइंट लगभग 5 ml के आसपास हो जाते हैं, 0.5 ml एंड 2.5 ml का इसका बॉयल आता है, और उसमें से इसमें 5 कैंडिडेट्स के लिए होते हैं जिसको 5 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। जी वैक्सीन इज टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन, लाइव एट्यूनेट वैक्सीन एंड कम्बाइंड वैक्सीन। एंड लाइव एट्यूनेट वैक्सीन या लाइव एट्यूनेट वैक्सीन के अंतर्गत आता है। एंड जो BCG होता है उसका जो पूरा नाम होता है वह बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होती है, जिसकी खोज जो इसकी खोज जो की थी वह होते हैं अल्बर्ट कॉलमेट एंड कैमिल ग्यूरिन। तो इन्हीं दोनों के नाम से BCG का नाम दिया गया है। और यह लाइव एट्रोनेट्स वैक्सीन होते हैं जो लाइव बोविन ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन से बनी होती है, और ये जो होती है वह 6 रोग अर्थात ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी ANC एंटीनेटल चेकअप विजिट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो एनसी विजिट कितने टाइम्स करती है? 1 विजिट, 3 विजिट, 4 विजिट या फिर 5 विजिट। तो पूरी जो 9 मंथ्स होती है जिसको ANC टाइम्स कहते हैं, तो ANC टाइम्स में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वह 4 टाइम्स विजिट करती है। जो हम पहला जो विजिट होता है वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड जो विजिट होता है वह सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एंड जो थर्ड विजिट होता है वह 32
वीक्स तक विजिट करते हैं एंड 36 to 40 वीक्स के बीच में जो विजिट होता है वह फोर्थ विजिट होता है, अर्थात जब डिलीवरी की टाइम आ जाती है 9th मंथ्स पे, उस समय फोर्थ विजिट किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्टेड? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 एंड नवंबर 1996। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर सेकेंड है, दिसंबर 1995 में फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज? तो जो कॉम्प्लिकेशन होता है आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस के इंसर्शन में, तो पेन, ब्लीडिंग एंड परफोरेशन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो सबसे कॉमन होती है वो होती है ब्लीडिंग। तो इसमें कुछ फर्स्ट या सेकेंड 2 महीने तक इसमें हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे मेजर या मुख्य कारण होता है या बड़ा कारण होता है मेटरनल अर्थात मातृ मृत्यु दर का या मेटरनल मोर्टेलिटी रेट का, तो वह होता है ऑप्शन नंबर है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बी ऑप्शन, थर्ड है सेप्सिस एंड फोर्थ है हेमरेज। तो फ्रेंड्स इसका जो कारण होता है वह होता है हेमरेज। हेमरेज के कारण जो अधिक से अधिक जो मृत्यु होता है उसका कारण हेमरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम अदर फॉर हिज ओन मिस्टेक्स इज कॉल्ड एज? ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्शन, बी रिग्रेशन, सी एग्रीगेशन एंड फोर कंपेंशन। एंड करेक्ट आंसर जो होता है फ्रेंड्स वह होता है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन सीइंग अ डिजाइन ऑन अ फ्लोर थॉट इट वॉज फॉसिल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इल्यूशंस, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन एंड आइडिया ऑफ रेफरेंस। एंड जो करेक्ट आंसर रेफरेंस वह होता है इलू। एक्स्ट्रा प्राइमिडियल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ एंटी पार्किंसंस एजेंट, एंटी मेनिस एंड एंटी डी प्रेजेंट्स एंड एंटी साइकोटिक्स। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी एंटी साइकोटिक्स। एंड जो एक्स्ट्रा पायरामिडियल साइड इफेक्ट जैसे एकेथीसिया जिसको मोटर रेस्टलेसनेस या फिर टार्डिव डिसकिनेसिया, एक्यूट डिस्टोनिया, ट्रेमर ब्रेडिकाइनेसिया एंड ड्रग्स इंक्लूड्स पार्किंसनिज्म आर कॉमन ड्यूरिंग यूज ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट अफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर एल्कोहलिज्म इज साइकोथेरेपी, टोटल एब्स्टिनेंस, एल्कोहलिक एनोनाइमोस एंड एवर्सन थेरेपी। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह होता है एल्कोहलिक एनोनाइमोस, आंसर नंबर सी। तो फ्रेंड्स ए में जो एल्कोहलिक एनोनाइमोस होता है उसमें पेशेंट को उन एल्कोहलिज या फिर एल्कोहलिक रिकवरिंग वाले लोगों से मिलवाते हैं जो अल्कोहल के यूज के वक्त और इनको छोड़ने के समय होने वाली प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं जिससे पेशेंट भी अल्कोहल को छोड़ सके, उसे कहते हैं AA अल्कोहलिक एनोनाइमोस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सुसाइडल रिस्क इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर, मेजर
डिप्रेशन, मेजर ड्रग डिपेंडेंस एंड सेवर मेंटल रिटार्डेशन। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सेकेंड, मेजर डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी कंटेंस परसेंटेज ऑफ वाटर। तो हमारे बॉडीज में कितने परसेंट वाटर होते हैं, 40%, 50%, 60% या फिर 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह आंसर नंबर थर्ड है, 60% होता है। जो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन होता है उसमें जो टोटल बॉडी वेट का 60% माना जाता है कि इस वाटर और फ्लूड्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विच हेल्प्स इन वुंड हीलिंग्स। तो इसमें से कौन सा विटामिन होता है जो घाव को भरने के लिए काम में आता है या सहायता करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो फ्रेंड्स जो विटामिन सी होता है वह वुंड्स हीलिंग में अर्थात घाव को ठीक करने में हेल्प्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन। तो कब जन्म ली थी, तो मई में ली थी फ्रेंड्स, मई 12 एंड 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। उनका जो डेथ हुआ था वह 13 अगस्त 1910 को मेफेयर लंदन में हुआ था, जिसे नॉन एज पायोनियरिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटर इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसेंट्स इज टर्म्स एज नेग्लिजेंस, एसॉल्ट्स, बैटरी एंड माल प्रैक्टिस। तो इसको बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। तो सबसे जो मोस्ट होता है वो कौन सा इन्फेक्शन हॉस्पिटल से मिलता है, और हॉस्पिटल जो एक्वायर्ड्स इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और ऑप्शन है फर्स्ट सर्जिकल साइट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आइज। एंड जो सबसे कॉमन होता है वह होता है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, अर्थात नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होते हैं, उस इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और 80% केस में इन डिवेलिंग यूरिनरी कैथेटर के इस्तेमाल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग इज हैंड वॉशिंग, यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिटवीन पेशेंट्स, स्क्रीन विजिटर एंड एंसर्स एडिक्वेट वेंटिलेशन। एंड करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, वेरेफिन, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट एंड नेलोजोन। करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है प्रोटामिन सल्फेट्स। नेक्स्ट, मेथड यूज वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग इरिटेटिंग मेडिकेशन विया डीप आईएम मेथड्स, सबक्यूटेनियस स्टेलिंग मेथड्स एंड जेड ट्रैक मेथड्स। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, तो जिसमें इरिटेटिंग मेडिकेशन होता है जो देने का माध्यम, तो होता है जेड ट्रैक मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर इज। जो हम श्वसन छोड़ते हैं उसमें जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना परसेंट होता है, 71.04%, 16%, 21% एंड 1%। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह होता है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू अ 7-year-old चाइल्ड, हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट्स ईयर, आउटवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो सॉरी, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूड्स। आइसोटोनिक फ्लूड्स नहीं होता है, 0.9%, आर एल
डेक्सट्रोज 5% इन वाटर एंड डेक्सट्रोज 5 ml इन नॉर्मल सेलाइन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है आंसर नंबर 4, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, DNS। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, DNS। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।